अभी बिग बॉस 15 डेज हुआ है, ऑन ईयर हो गया है, और इसमें आपने आप कितना फॉलो कर रहे हैं और किसका गेम आपको अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा? मुझे ऑनेस्टली पूरा नहीं फॉलो कर पा रही, सच बोल रही हूँ, बट जितना भी मुझे इंटरनेट पे देखने मिलता है मैं वो देखती हूँ, और उसको देखने के बाद मुझे जो भी समझ में आ रहा है, आई मीन आई डोंट नो कौन कैसा खेल रहा है, बट मुझे इतना पता है कि मुनव्वर अच्छा खेलेगा, तो मुनव्वर इज अ प्लेयर। मुनव्वर लॉकअप में भी थे, आप भी थे वहाँ, तो आप उन्हें जानते हैं अच्छे से, तो कितना स्मार्ट है वो भी जानते तो हमने उनको पूरी दुनिया ही जानती जी बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है अभी मुनव्वर और मनारा का जो भी थोड़े क्यूट मूवमेंट्स चल रहे हैं घर में, और लॉकअप में भी हमने उनका अंजलि के साथ जो बॉन्ड देखा था, तो आपको क्या लगता है? मुझे बड़ी हंसी आती है, मतलब वो सवाल वो देखकर भी सो है, हमने लाइव एक्सपीरियंस किया था लॉकअप के अंदर जो भी हो रहा था, मुनव्वर क्या बोल सकती, मतलब आपको क्या लगता है वो मास्टरमाइंड बनेंगे? वो मास्टरमाइंड बनेगा नहीं, वो मास्टरमाइंड है, ही इज एंड वी ऑल नो दैट। तो अभी हम अभी मैं रुकी हूँ, मतलब और ठीक है मनारा, मतलब और मुझे कितने ऐसे नाम मिलने वाले हैं, मतलब मुझे कैसे भी तो अगर आपको अप्रोच आया बिग बॉस में जाने का तो आप जाना पसंद करोगे? क्यों नहीं, बिग बॉस एक ऐसा शो है जहाँ पे आप डिपेंड्स लोग यू नो पर्सन टू पर्सन, बट यू कैन एक्चुअली ईदर मेक इट टू अनदर लेवल और ईदर ब्रेक इट टू अनदर लेवल, सो इट इज़ दैट सॉर्ट ऑफ शो। बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा बनाया अभी बिग बॉस से, बिकॉज दैट शो इज़ वो प्लेटफॉर्म इतना बड़ा, बट यू हैव टू नो हाउ टू प्ले इट बॉस। अच्छा जैसे आपने कहा अभी मुनव्वर और मनारा का जो भी क्यूट मोमेंट्स हम देख रहे हैं, उनका जो भी बॉन्डिंग, बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है जी, है ना? तो आपने जैसे कहा कि आपको काश मैं बिग बॉस में होती, मतलब भाभी आपको हंसी आ रही है, तो आपको क्या लगता है ये इट्स फनी बिकॉज लॉकअप में इतना ज्यादा प्यार देखने मिलता था मुनव्वर का और अंजलि का, तो चोट लग रही है तो यू नो इट्स लाइक खून हो रही, मतलब इतना ज्यादा प्यार, मुझे मेरी माँ की याद आ जाती थी इतना प्यार देख के, तो फिर तो अभी वो बिग बॉस में भी हो रहा है, तो अच्छा ये रियल तो ये रियल लग रहा है आपको या ऐसे? बिल्कुल कैमरे के लिए बिल्कुल रियल है, बट विदाउट कैमरा किसको पूछ रहे, उनको जाके पूछो ना, मैं आइडिया दूँ उनके दिमाग में क्या चल रहा है, मैं आइडिया दूँ बिग बॉस के बाहर रह के। आप मेरे को आपका दिमाग जानना ना, आप लोग तो खैर सभी लोग का इंटरव्यू लेते हो, आपको पता है कौन कैसे बात करता है, कौन कितना क्या है, हम तो देख रहे हैं इसलिए हमने आपसे ये सवाल पूछा। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अभी काफी लोग हैं बट हम बताएंगे आपको। क्या मुनव्वर देखा आया, हाई फाइव। तो क्या कहना चाहेंगे आपके फैंस को, ऑडियंस को? जो यही बोलना चाहेंगे, तुम लोगों ने इतने साल से इतना प्यार दिया, यू हैव टेकन केयर ऑफ मी from my ups and downs, everything, and today mashallah been very good things, so thank you for standing by, thank you for loving me so much, I genuinely appreciate that. Thank you so much. Thank you. आगे मैं जा रहा हूँ, रूम का लेना ही सही। चलो भाई वो चीचा चलता है।